के साथ पूजा और आप देख रहे हैं आर्ड इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। देश व प्रदेश की सरकार ग्रामीण पंचायत स्तर में विकास की गंगा बहाने तथा जनता को अनेकों योजनाओं का लाभ दिलाने अनेकों प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण जनता को योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां तो पंचायत के ग्राम प्रधान और सचिव ही मिलकर जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं और इतना ही नहीं, शासकीय राशि से अपनी जेब करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला बालाघाट जनपद पंचायत क्षेत्र की जानी मानी ग्राम पंचायत भरवेली का है। आपको बता दें कि हालांकि इस पंचायत में यह कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी इस पंचायत में कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो चुके हैं। यहां पदस्थ सचिव सेवक राम खरोले तथा वर्तमान में निष्कासित की गई सरपंच रेखा सरवारी इन दोनों के द्वारा विगत माह पूर्व वार्ड नंबर 9 में 132 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य गैर आबादी क्षेत्र में बिना प्रस्ताव के ही करा दिया गया। वहीं इस मामले की शिकायत भीम बहाने व अन्य पंचों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी की गई। इस संबंध में पंच प्रतिनिधि भीम बहाने ने बताया कि सरपंच और सचिव अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए एवं कमीशन पाने की मंशा से वार्डो में कार्य कराते हैं। उन्होंने बताया कि जिस काम में इन्हें मुनाफा व कमीशन नहीं मिलता है उस काम को कराने में यह रुचि नहीं लेते। हालांकि सूत्रों की माने तो सचिव सेवक राम खरोले बीते समय से ही शासकीय राशि का दुरुपयोग करने और फर्जी बिल लगाकर अपनी जेब गर्म करने में माहिर, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने साश के राशियों को बंदर बांट कर हजम करने का अपना उद्देश्य बना रखा हो। वहीं जब इस पूरे मामले में जिला पंचायत अधिकारी उमा महेश्वरी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस पर शिकायत को लेकर रिकवरी निकाली गई है तथा नोटिस भी भेजी गई है, जिस पर जांच होने पर अनियमितता पाई गई तो विधिवत कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इन भ्रष्टाचारी सचिव और सरपंच पर की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं, या फिर मामला यूं ही कर रह जाता है। बालाघाट से इमरान खान की रिपोर्ट। मीटर की रोड है, 120 मीटर की रोड है, 132 मीटर जो रोड है जी, क्या क्या कुछ मामला है उसका? पूरा उसका ये मामला है कि हमारे द्वारा और पंच भाइयों के द्वारा इनके सहयोग से हमने कुछ माह भीतर 181 में शिकायत की है उसकी, और उसकी जांच अधिकारी के द्वारा सिद्ध भी हुई है। रोड किस लिए शिकायत की गई है, क्या रोड इसलिए हमने लगाए थे कि वो गैर आबादी में रोड बनी है। अच्छा, जो कि जहां आबादी वहां रोड बनना चाहिए। अच्छा। पर सरपंच सचिव के निजी स्वार्थ को देखते हुए, अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने प्लाटिंग वालों से ऐसी शंका हो रही है, ऐसा हमारा मानना है कि प्लाटिंग वाले से ले देकर उस रोड को बनाया गया है। और जहां और भी वार्डो के जो TS है AS है वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनके द्वारा, क्योंकि वहां कमीशन नहीं है, पर वहां उनको कुछ कमीशन मिला है, इस आधार पर वो रोड पर ध्यान दे रहे। गैर आबादी में बनी रोड वार्ड नंबर 9 में, जहां कोई जनसंख्या नहीं है। अच्छा, वो जो रोड है अभी फिलहाल उसका निर्माण कार्य हो गया है। निर्माण कार्य हो गया है और उसकी राशि क्या निकाली गई है? राशि भी निकल चुकी है और जिला न्यायालय में धारा 40 और धारा 42 के तहत वसूली के लिए न्यायालय में पंजीकृत है। किसके द्वारा ये राशि निकाली गई है, किसके नाम पर आपने शिकायत की है? मैंने जो शिकायत किया हूँ, रेखा सरवारी प्रभारी सरपंच थी पहले, और सेवक राम खरोले के नाम। तो रिकवरी निकली है, वो धारा 40 के तहत नोटिस भेजा गया है, तो अब इनको सुनवाई करके इनको विधिवत हम कार्रवाई करेंगे। सचिव को कब नोटिस भेजा गया मैडम, भरवेली सचिव को इस मामले में? डेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास वसूली की प्रकरण आते हैं उसमें नोटिस भेजते हैं और नोटिस की सुनवाई। तो ये प्रकरण जो है मैडम, भरवेली सचिव वाला रोड को लेकर जिसकी शिकायत 181 में की गई थी, ये आपके संज्ञान में है ये मामला? तो 181 का जो है वो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो लेकिन यदि वसूली का कोई रिपोर्ट आया होगा तो जरूर यहाँ से नोटिस निकली होगी, इसकी कार्रवाई। ठीक।